हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजमेक न्यू टॉप। तेरी वन शॉट एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं कल टॉप जाके दे दूँगी। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस स्टोरी में इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूंग किम जो 28 ईयर्स ओल्ड का है और शुगा 26 ईयर्स ओल्ड का है। यूंग और शुगा दोनों ही कजिन हैं और वो दोनों एक ही साथ वर्क करता है। और जिमिन जो 15 ईयर्स ओल्ड का है और उसके साथ मेन कैरेक्टर ताओंग 29 ईयर्स ओल्ड का है, पर उसके साथ वो बिजनेसमैन भी है। और ताओंग अपनी फ्रेंड योंगी और शुगा के साथ भी वर्क करता है। और मेन लीड जंगकुक उसके 16 ईयर्स ओल्ड का है जो नॉर्मल बॉय है। और जिमिन योंगी और शुगा की फ्यूंस है और सिर्फ योंगी और शुगा वेट कर रहा है कि जिमिन कब 18 प्लस होगा, कब जाकर वो लोग शादी कर पाएगा। और जंगकुक और जिमिन बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गया है और लोग को इंसिडेंटली यूट्यूब पर मिला था और उसके बाद जाकर वो लोग बातें करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जाकर जंगकुक के सब कुछ पता लगा कि जिमिन असल में योंगी और शुगा की कज़न सिस्टर हैं और उसके साथ वो लोग उसकी फ्यूंस से भी हैं, जिसे जानने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक था। पर वो हैप्पी भी था क्योंकि वो कभी भी होप नहीं किया था कि वो उन लोगों के साथ बातें कर पाएगा, क्योंकि बहुत लोगों की ड्रीम है कि सब लोग योंगी और शुगा के साथ बातें करेगा और ताओंग के साथ भी, जो जंगकुक कभी भी होप तक नहीं किया था। और जंगकुक योंगी और शुगा की भी बहुत ज़्यादा क्लोज था और जंगकुक शुगा की सोलमेट फ्रेंड बन गया था। और शुगा और जिमिन की बर्थडे था, उन दोनों की बर्थडे सेम डे पर ही आता है और वो लोग सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तब जंगकुक जो शुगा के साथ बातें कर रहा था, तब शुगा जंगकुक को कहते तुम क्या ताओंग के साथ बातें करना चाहोगे क्योंकि ताओंग तुम्हारा क्रश है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और पर जंगकुक तुरंत ही कहते बट योंग ताओंग की योंग तो अब मिलिट्री में है ना। तब तुरंत योंगी कहते नो वो नहीं है, वो यहाँ पर आज ब्रेक लिया है क्योंकि आज मेरा और मेरे बेबी बॉय का बर्थडे है ना, इसी वजह से। तुम क्या करना चाहते हो तो फिर बोलो और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर मुझे बोल दो, मैं नहीं कराने वाला। मैं सिर्फ ऐसे तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था मेरी और मेरी बेबी की बर्थडे पर, क्योंकि तुम मेरी बेबी का बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर क्यों नहीं। तब तुरंत जंगकुक कहता है ऑफकोर्स मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ योंग मैं क्यों मेरी क्रश के साथ बातें नहीं करना चाहूँगी। तब तुरंत शुगा हाँ कह देता है और कहता है वेट करो। और कुछ देर बाद जंगकुक को हाई आता है। तब जंगकुक जो समझ नहीं पा रहा था कि लास्ट मैसेज असल में शुगा ने उसे क्या किया था, तब जंगकुक कहता है हाई बट कौन हो। तब तोंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहते तुम शुगा के मैसेज को रीड किए थे। तब तुरंत जंगकुक कहते हाँ मैं क्या था। तब तुरंत फिर से ताओंग जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहता है इस मैसेज को रीड किए थे। तब तुरंत जंगकुक उसे दोबारा से रीड करता है और उसके बाद वो तुरंत कहता है कि आप सच में ताओंग योंग हो। तब तुरंत ताओंग जो स्माइल की मुझे भेजता है और कहते हैं यस डियर मैं ताओंग हूँ। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था और वो तुरंत कहता है आपको पता है आप मेरी क्रश हो। तब ताओंग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे शुगा ने बताया था। तब जंगकुक कहता है मैं सच में कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं आपको बोल भी नहीं पाऊँगी, मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब ताओंग जो कहता है आई नो कि तुम हैप्पी हो, बाद में तुम्हें पता है आज शुगा और हमारी प्रिंसेस की बर्थडे है। तब तुरंत जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है आज जिमिन की बर्थडे है। तब ताओंग कहता है यस और यहाँ पर शाम तो अब क्या हो रहा है, सब लोग केक फेस पर लगा रहा है एक दूसरे की। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं प्लीज़ योंग बी केयरफुल, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके फेस पर भी अब कोई केक लगाए, बाय द वे जिन योंग के फेस पर क्या लग गया है। तब तुरंत ताओंग रिप्लाई करता है कि हाँ लग गया है और तुम जानते हो अब सबके फेस में केक है, सिर्फ मैं और यहाँ पर शुगा की और एक कज़न यहाँ पर सेब है। तब जंगकुक जो हंसने लगता है और तुरंत रिप्लाई करते हैं कि बी केयरफुल योंग वरना वो लोग आपको केक से ढक देगा। तब ताओंग हाँ कह देता है और उसके बाद थोड़ी देर तक जंगकुक के साथ बातें करता है। तुम्हें पता है अब सब लोग बात के ले जा रहा है क्योंकि सब लोग केक से ढक गया है। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं हाँ सब लोग अगर कपल बाई कपल जाएगा तो फिर शायद जल्दी हो सकता है क्योंकि एक साथ दोनों लोग शावर ले सकते हैं। तब तुरंत तंग हंसते हुए रिप्लाई करता है नो अगर कपल बाई कपल गया तो फिर मुझे नहीं लगता जल्दी बात लेना ख़त्म होगा, और अगर योंगी और शुगा गया तो फिर उसे तो भूल ही जाओ, सच में हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा बट टाइम वेस्ट बहुत ही ज़्यादा कराएगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है क्योंकि उसे भी पता था। और कुछ देर बाद तंग उसे बाय कहता है क्योंकि वो भी बात के ले जाने वाला था और जंगकुक भी उसे बाय कहता है
और उसके बाद सुखाने के बाद जंगकुक को टेस्ट करता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम अपने क्रश के साथ बातें किए थे? हाँ बोलो मुझे। तब तुरंत जंगकुक हाँ कह देता है और कहते हैं, हाँ मैं बातें क्या था, बट नॉर्मली मैं तुम्हारे जैसे शेमलेस नहीं हूँ। तब शुगर कहते हैं, मैं शेमलेस नहीं हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम कितनी ज़्यादा केक को इन्जॉय कर रहे थे मुझे पता है। अपनी डैडी योंगी के पास जाओ, वो तुम्हें और भी ज़्यादा समझा देगा। नाइट में ज़रूर जाना, तुम्हारी डैडी योंगी तुम्हें नाइट में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। तब तुरंत शुगर कहते हैं, शट अप, इस तरह की बातें मत करो। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, क्यों ना करो, अगर तुम मुझे टेस्ट करोगे तो फिर मैं भी करूँगी, तुम अपनी माउथ को बंद रखो, मैं भी रखूँगी। तब शुगर कहते हैं, नॉटी चाइल्ड। तब जंगकुक सिर्फ हंसने लगता है और उसके बाद जंगकुक जो उसके साथ भी बातें करने लगता है। ऐसे ही डे बीत रहा था और सब कुछ नॉर्मल ही जा रहा था। उसके ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद जाकर जंगकुक को तंग बहुत ही ज़्यादा याद आने लगता है और इस वजह से तुरंत वो जिमिन के पास मैसेज करता है और जिमिन को कहता है, जिमिन तुम क्या मुझे तंग के नंबर दे सकते हो? तब तुरंत जिमिन कहते हैं, मुझे योंगी हूँ परमिशन नहीं देगा। तब तुरंत कहते हैं, प्लीज़ मुझे चाहिए, तुम शुगा ही उनके साथ भी बातें कर सकते हो, प्लीज़ बस मुझे चाहिए, बस मुझे उसके नंबर दे दो। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, ओके मैं बातें करती हूँ। और उसके बाद जिमिन बातें करता है और जिमिन उसके बाद जंगकुक को कहता है, रुको उसकी इंस्टा आईडी मैं तुम्हें देती हूँ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को जिमिन उसकी इंस्टा आईडी दे देता है। तब जंगकुक जल्दी से जाकर तंग को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जो एक प्राइवेट अकाउंट था और बाकी तंग के जो पब्लिश अकाउंट था वहाँ पर तंग कभी भी किसी के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और जंगकुक तो ये भी सोच रहा था कि शायद उसे यहाँ पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि तंग अब मिलिट्री सर्विस पर भी था तो फिर चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम है। और उसके ऑलमोस्ट 2 डेज बाद जाकर जंगकुक को रिप्लाई आता है कि तुम कौन हो। तब इसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तुरंत तंग को रिप्लाई करते हुए कहता है, योंग इट्स मी, आपको मैं याद नहीं हूँ। तब तुरंत तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम कौन हो? तब जंगकुक कहते हैं, मैं हूँ जंगकुक, आपको पता है आपने मेरी दिल तोड़ दिया है। तब इसे देखने के बाद तंग तुरंत कहते, हाँ मैं कैसे तुम्हारे दिल को तोड़ दिया हो? तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, आपने मुझे रिजेक्ट किया है। तब तुरंत तंग कहते हैं, मैं तुम्हें जानते ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे रिजेक्ट किया हो और तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तब तुरंत जंगकुक कहते, मैं हूँ जंगकुक, जिमिन की फ्रेंड। तब तंग जो तुरंत कहते, हो तुम जिमिन की फ्रेंड हो, बट मैं तुम्हें कब रिजेक्ट किया हो, किस बात पर? तब तुरंत जंगकुक कहते, मैं आपको मेरी डीम में प्रपोज किया था बट आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज आपको लगता है कि मैं एक बेबी हूँ, मैं सच में एक बेबी नहीं हूँ यूँ। तब इस सुनकर तंग जो तुरंत कहते हैं, यस आई नो तुम बेबी नहीं हो और वो सिर्फ ड्रीम था, रियल में मैं नहीं क्या हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर जो स्माइल करता है और कहते हैं, यूँ अब कैसे हो? तब तंग कहते हैं, आई एम फाइन। और उसके बाद जंगकुक तंग के साथ भी बातें करना स्टार्ट करता है और वो दोनों ऐसे ही ऑलमोस्ट और 1 मंथ तक बातें करते हैं। पर जंगकुक कहाँ पर शांत रहने वाला था, वो बहुत बार तंग को कह चुका है कि वो तंग से बहुत ज़्यादा लव करता है। तंग कभी भी उसे इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया था और इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा सैड था पर वो फिर भी इसे नॉर्मली ले रहा था क्योंकि उसे नहीं लगता है कि ऐसे भी तंग उसे लाइक भी करेगा क्योंकि जंगकुक यही सोचता है कि वो सिर्फ तंग को लव करता है तो फिर इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि तंग उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जंगकुक इस वजह से कभी भी तंग को इस बारे में नहीं कहा था। पर जंगकुक जब ऐसे इंस्टा कॉल कर रहा था तब वो ऐसे ही एक वीडियो पर डियर सुस कर लेता है जहाँ पर डियर सुस करने के बाद उसे उसके क्रश को प्रपोज करना था और जंगकुक तुरंत जाकर तंग को प्रपोज कर देता है और तंग तब ऑनलाइन पर भी था। तब जंगकुक फर्स्ट कहते हैं, हाय योंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तब तुरंत तंग कहते, यस डियर तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तब जंगकुक तुरंत तंग को कहते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ट्रूली। तब कुछ सेकंड तक रिप्लाई नहीं था और फिर तंग कहते हैं, हाँ मैं अभी करती हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, आप जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह के लव नहीं। तब तंग कहते, किस तरह की? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, रोमांटिक साइड से। तब तंग रिप्लाई करता है, हाँ मैं अभी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर तुरंत कहते, क्या अब क्या सच में मुझसे लव करते हैं? तब तुरंत तंग कहते हैं, हाँ मैं करता हूँ। तब जंगकुक कहते, क्या सच में? तब तंग कहते, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। तब
अर्जुन को क्या था, आप मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे है ना? तब टांग क्या था, नो मैं क्यों तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी, एक्चुअली आई रियली लव यू बट मुझे अब मेरे ब्रदर के साथ इस बारे में बातें करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आंसर करूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है कि ताऊंग इतनी ज़्यादा कैसे अच्छे पर्सन बन सकता है कि उसे रिलेशनशिप में आने के पहले अपने ब्रदर की परमिशन चाहिए। फिर जंगकुक कहते हैं हाँ आप कर सकते हैं, और उसके बाद ताऊंग जो ऑफलाइन हो जाता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में अपने ब्रदर के साथ मिलने के लिए जाना था, और जंगकुक जो उसके बाद शुगा के साथ बातें करने लगता है। तब शुगा को जब जंगकुक इस बारे में कहता है तब शुगा जंगकुक को तुरंत कहता है मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी हर्ट मत करना। तब जंगकुक कहता है मैं क्यों हर्ट करूँगी, मैं उसके लिए बहुत बैडली फील रखती हूँ। तब तुरंत शुगा कहता है जो भी हो तुम क्या मेरे ब्रदर के ऊपर ट्रस्ट करते हो। तब जंगकुक कहता है ऑलवेज मैं करती हूँ। तब शुगा उसके बाद हाँ कह देता है, और उसके बाद और कोई रिप्लाई नहीं आया था। तब जंगकुक सोचता है शायद शुगा सो गया है, और इस वजह से कुछ भी नहीं कहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब तंग जंगकुक को मैसेज करता है तब जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो कल रात के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करता है क्योंकि उसे पता नहीं था उसके ब्रदर्स क्या बोला है। फिर एंड में जाकर जंगकुक कहते हैं योंग अपने के अपने ब्रदर से परमिशन लिया था मैं आपकी असल में बीए बन पाया हूँ या फिर नहीं। तब तुरंत तंग उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं हाँ वो लोग मुझे परमिशन दे दिया है, मैं कल यहाँ पर से जाने के पहले शुगा के साथ बातें किया था जिसने कहा है कि हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ, और उसके साथ मैम हॉस्पिटल में जाने के बाद योंगी के साथ भी बातें किया था, और उसने भी बोला है कि हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि तुम उन दोनों की बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, और इससे वजह से हाँ मैं अब तुम्हारी बीएफ हूँ। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो तुरंत कहते हैं मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अब आपकी बीएफ हूँ। तब तंग सिर्फ स्माइल की इमोजी देता है। फिर जंगकुक और तंग उसके बाद और भी ज़्यादा बातें करने लगता है। नाइट के टाइम पर शुगा जब जंगकुक को मैसेज करता है तब वो कहता है मॉम क्या कर रही हो। तब जंगकुक रिप्लाई करता है माई डियर सन बस अभी मैं ऐसे ही बैठा था और मैं तंग योंग के साथ बातें कर रहा था। तब तुरंत शुगा कहता है ओ तंग योंग हाँ अपनी बीएफ के साथ बातें कर रहे थे। तब तुरंत जंगकुक कहता है चुप करो। तब शुगा कहते हैं तो फिर डैड कैसा था, डैड अच्छा था ना मॉम के साथ। तब जंगकुक किया रेड हो जाता है, और तुरंत कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा बैठ के हो अपने डैडी के पास जाओ, मेरे पास मत बातें क्या करो। तब तुरंत जंगकुक को शुगा फिर से रिप्लाई करते हुए कहते हैं हाँ मैं चुप करो बस यहाँ पर आ जाओ उसके बाद देखना मेरे फादर तुम्हारे साथ क्या करता है। तब जंगकुक हंसते हुए रिप्लाई करते हैं तुम्हारी फादर इनोसेंट है। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं इनोसेंट एक बार उसके पास जाओ सारे इनोसेंट दिखा देगा कि कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, अगर उसकी इनोसेंट ने चला जाएगा तो फिर तुम बाद में रिग्रेट करोगे, मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें वार्निंग नहीं किया था क्योंकि मेरी डैड बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, सिर्फ वेट करो यहाँ पर आ जाओ सच में दिखा देगा तुम्हें इनोसेंट कितनी ज़्यादा है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, पर फिर भी जंगकुक हाँ कह देते, और ऐसे ही सब कुछ जाने लगता है। जंगकुक तंग के साथ भी बहुत ज़्यादा हैप्पीली था, और उसके साथ वो शुगा और योंगी के साथ भी बहुत सारे बातें करता है, और बीच में से जिमिन जो वो थोड़ा सा बीमार हो गया था और उसके साथ उसे एग्ज़ाम भी आ गया था, जिस वजह से जब जंगकुक उससे रिप्लाई करता है तब वो उसे रिप्लाई नहीं कर पाता है, और जब वो उससे रिप्लाई करता है तब जंगकुक उससे रिप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक के भी सेम टाइम पर ही एग्ज़ाम था, और इस वजह से दोनों की ही ज़्यादा बातें नहीं हो पा रहा था। जंगकुक जब शुगा के साथ बातें कर रहा था तभी जंगकुक को तंग की मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था हे बेबी क्या कर रहे हो। तब तुरंत जंगकुक शुगा को रिप्लाई करते हुए कहते हैं ओके योंग मैं जा रही हूँ आपके डैड आ गया है। तब इसे देखकर तुरंत शुगा रिप्लाई करते हुए कहते हैं ओ फादर आ गया है ऑनलाइन पर तो फिर जाओ और फादर को इन्जॉय करो, और मुझे भी मेरी बेबी मुझसे के पास जाना है। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मेरी फ्रेंड के साथ कुछ भी उल्टा सीधा मत करना वरना तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा बैट करूँगी और मैं योंगी ही उनको भी बोल दूँगी। तब तुरंत शुगा कहते हैं गेट आउट मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ मेरी फादर वेट कर रहा है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए तुरंत तंग के मैसेज को ओपन करते हैं तुरंत कहते हैं हेलो योंग। तब तंग जो जंगकुक को कहते हैं हाउ आर यू। तब जंगकुक कहते हैं आई एम गुड एंड यू। तब तंग कहते हैं मैं भी ठीक हूँ बाय द वे तुम मुझे एक बात का आंसर करो तुम मुझे अभी योंग बोले हो
तब तो रणशंकू कहते हाँ, तब दाऊ कहते मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तब शंकू कहते नहीं आप क्यों मेरी ब्रदर होंगे, तब दाऊ कहते तो फिर तुम मुझे ह्यूंग क्यों बोले हो, मैं तुम्हारा बीएफ हूँ ब्रदर नहीं, तो फिर ह्यूंग क्यों तुम मुझे बोलोगे। तब शंकू की यार फिर से रेड हो जाता है और वो अपनी फुल फेस में हॉट फील करने लगता है और वो तुरंत कहते हैं आई एम सॉरी ह्यूंग, आई मीन आई एम सॉरी, असल में मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से आपके साथ ह्यूंग बोलकर ही बातें कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे एक बैड हैबिट हो गया है, क्या मैं आपको ह्यूंग बुला सकती हूँ। तब तुरंत तंग कहते हैं ओके तुम मुझे ह्यूंग बुला सकते हो। तब जंकू कहते हैं ठीक है ह्यूंग, बट आपको पता है ये लोग बहुत ही गलत तरीके से ले सकता है। तब तुरंत तंग कहते क्यों गलत तरीके से ले गम। तब जंकू कहते अगर लोग ये सोच सकते मैं कैसे मेरी ह्यूंग के साथ इस तरह से रह सकती हूँ। तब तुरंत तंग रिप्लाई करते हुए कहते हैं लोग क्या सोचते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम मुझे ह्यूंग कह सकते हो। तब जंकू तुरंत कहते हैं ओके ह्यूंग। तब तंग तुरंत जंकू को बहुत सारे रिक्वेस्ट की इमोजी भेजते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे ह्यूंग मत बुलाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे गलती हो गया है, मुझे ह्यूंग प्लीज़ कॉल मत करो। तब शंकू जो शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं ओके मैं नहीं करूँगी। तब तंग कहते हैं थैंक गॉड प्लीज़ बेबी दोबारा से मुझे ह्यूंग मत कहना। तब जंकू खा कह देता है और उसके बाद जंकू उस नाइट तंग के साथ ऐसे ही नॉर्मली सेट करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे भी तंग के साथ जंकू सेट कर रहा था जहाँ पर तंग जब जंकू को मैसेज करते हुए कहते हैं बेबी तुम क्या कर रहे हो। तब तुरंत जंकू रिप्लाई करते हुए कहते हैं मैं मेरी कज़न के घर में हूँ और मैं उसके सॉन्ग सुन रही हूँ। तब तंग तुरंत कहते हैं कौन कज़न है, ब्रदर है या तो सिस्टर है या तो वो तुम्हारी एल्डर है और यंगर है, मुझे बोलो। तब तुरंत जंकू कहते हैं हाँ वो असल में मेरी यंगर सिस्टर है, मैं मेरी कज़न ब्रदर के साथ बातें नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोग मुझसे एल्डर है और मैं उन लोग के साथ क्लोज नहीं हूँ। तब तुरंत तंग कहते हो कि मैं समझ गया हूँ, तुम सॉन्ग को एंजॉय करो। तब तुरंत जंकू कहते नो उसकी सॉन्ग अब सिंगिंग करना ख़त्म हो गया है और मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा फनी था। तब तंग कहते हैं हाँ तुम अपनी डिनर क्या हो और तुम अपनी कज़न के घर में क्यों हो, तुम घर कब तक वापस जाओगे। तब तुरंत कहते हैं आई एम सॉरी मैं आज घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी सेकंड पार्ट बुक नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर आज रहना होगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है और वो भी सेम क्लास में है, तो फिर हम दोनों को ही डेट करना होगा। तब तंग कहते हैं तो फिर स्टडी पर फोकस करो और तुम क्या डिनर कर लिया हो। तब तुरंत जंकू कहते हैं नहीं मैं कर लूँगी। तब तंग कहते हैं जल्दी से करो बेबी, इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। तब जंकू खां कह देता है और उसके बाद जंकू तंग के साथ कैजुअली बातें करता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर भी जंकू तंग के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है एग्ज़ाम में जाने के पहले, और जंकू की एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और उसके बाद और जब अपने एग्ज़ाम हॉल में जाता है तब उसे एक फ्रेंड की मैसेज आता है, तब जंकू उसे ओपन करता है और उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट था तब जंकू अपने फ़ोन को हाइड करके रखा था ताकि किसी को पता ना चले, और जंकू उसके साथ अपने एग्ज़ाम भी दे रहा था और उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाई कर रहा था क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम नहीं था, और उसके साथ जंकू जो चीट भी नहीं कर रहा था तो फिर कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं था, और टीचर जो नोटिस नहीं किया था। फिर जंकू जल्दबाजी में अपने एग्ज़ाम को फिनिश करता है और उसके बाद जल्दी से तंग को मैसेज करता है और उसे तुरंत कहते हैं मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया है। तब तंग कहते हो कि घर में जाओ उसके बाद हम लोग आराम से बातें करेंगे ठीक है। तब जंकू कहते हैं ओके, और उसके बाद जंकू अपनी कज़न के बाहर आने की वेट करने लगता है जो अभी भी राइट ही कर रहा था, जिसे देखकर जंकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जंकू उसके बाद फिर से तंग को मैसेज करता है और कहता है ह्यूंग। तब तुरंत तंग कहता है मैं ह्यूंग नहीं हूँ। तब जंकू कहता है आपको पता है मेरी कज़न अभी भी एग्ज़ाम हॉल में है, शायद वो भूल गया है मैं यहाँ पर भी उसके लिए वेट कर रही हूँ, शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। तब तंग कहते हैं हाँ मुझे लगता है वो तुम्हें भूल गया है, बाय द वे कज़न बॉय है या तो गर्ल है। तब तुरंत जंकू कहता है मैं कल तो बताया था ना वो गर्ल है और मुझसे स्मॉल है। तब तंग कहते हैं वो ठीक है। तब जंकू कहते हैं हाँ और मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज़, अब नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे ना। तब तुरंत तंग कहते हैं मैं नाराज़ क्यों होंगी, बोलो बेबी क्या हुआ है। तब जंकू कहते हैं मैं घर में जाने के बाद आपको बोलूँगी ठीक है, नाराज़ मत होना मैं पहले कह रही हूँ। तब तुरंत तंग कहते हो कि मैं नाराज़ नहीं होंगी, तुम मुझे जो कहना चाहते हो तुम मुझे कह सकते हो। तब जंकू कहते हो ओके। तब तंग कहते तुम्हारी कज़न आ गया है।
तब जंगू कहते नो, वो अब बातें कर रहा है, रुकिए मैं उसे बुलाती हूँ। और जंगू उसके बाद अपनी कजिन को बुलाकर लेकर आता है और वो दोनों घर की तरफ जाने लगता है। और वो तम को मैसेज करके कहता है सिर्फ तम कुछ मिनट तक वेट करे, वो घर में जल्दी ही पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर से बातें करेगा। और जंगकुक जो तब भी अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, और उसके बाद जंगकुक जब घर में पहुंचता है तब वो तुरंत तम को रिप्लाई करता है और तुरंत तम को कहता मैं घर में आ गया हूँ। तब तम कहता है गुड, तुम क्या अपने लंच किया हो? तब जंगकुक कहता है नो, मैं जल्दी ही कर लूँगी। तब तम कहता है ओके। फिर जंगकुक अपनी फ्रेंड को बाय कहता है क्योंकि वो अब तम के साथ बातें करना चाहता है, सिर्फ तम के साथ। फिर जंगकुक तम को कहता है मैं आपको कुछ कहना चाहता था। तब तंग कहता है हाँ बोलो मुझे बेबी, मैं वेट कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं आपको बोला था ना कल कि मैं एक बॉय के साथ मिला था और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। तब तंग जो तुरंत जंगकुक को कहता है हाँ उसने क्या बोला है मुझे बोलो, क्या उसने तुम्हें डिस्टर्ब किया है? तब तुरंत जंगकुक कहता है नो योंग, ऐसा बात नहीं है, वो असल में थोड़ा सा फ्लर्टी है, बस इतना ही। और आपको पता है उसके नेम भी सुगा है। तब इसे सुनने के बाद तुरंत तंग शॉक हो जाता है और कहते ओके तुम उसे क्या बुलाते हो? तब जंगकुक कहते मैं उसे मिस्टर मिन कहता हूँ। तब तंग कहते हैं हाँ और क्या क्या हुआ था, उसने तुम्हें क्या क्या बोला था, मुझे फुल डिटेल में बोलो। तब तुरंत जंगकुक उसे सब कुछ डिटेल में बोलने लगता है कि शुगा जो है उसके डैड नहीं है और उसके साथ वो अपने फैमिली के साथ है और वो सब कुछ बोल देता है। तब तंग कहते हैं सच में वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो कहाँ पर है? तब जंगकुक कहता है रुकिए मैं सुनती हूँ। और जंगकुक उसके बाद शुगा से पूछ लेता है। तब जो मिस्टर मिन था वो तुरंत जंगकुक को कहता है वो सियोल में है। तब जंगकुक कहता है कि सियोल में कहाँ पर? तब मिस्टर मिन कहता है मुझे खुद नहीं पता। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो तंग को जब कहता है तब तंग कहता है कि बेबी छोड़ दो, मैं खुद से पता लूँगी, मैं मेरी असिस्टेंट को ऑलरेडी बोल दिया हूँ, वो ढूंढ लेगा। तब जंगकुक उसके बाद हाँ कह देता है और उसके बाद तंग के साथ ऐसे ही नॉर्मली बातें करने लगता है। पर तंग बार बार पूछ रहा था वो खाया है या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं लंच कर लिया हूँ, फिक्र मत कीजिए। तब तंग हाँ कह देता है और उसके कुछ देर बाद जाकर तंग भी अपने वर्क के लिए चला जाता है। और पर जंगकुक जब अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी एक फ्रेंड की मुझे मैसेज आया था। तब जंगकुक तुरंत कहते कौन सी फ्रेंड, मुझे क्या तुम स्क्रीनशॉट दे सकते हो? तब वो तुरंत देता है। तब जंगकुक देखता है कि असल में तंग था और ये उसकी प्राइवेट आईडी था। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं वो उसने तुम्हें मैसेज किया था। तब मिस्टर मिन कहते हैं हाँ और वो सच में एक नाइस पर्सन है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो अपने मन में कहते हैं हाँ दैट्स लाइक माई बिहेव, पर वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है और जंगकुक इस वजह से हैप्पी था। फिर जंगकुक अपनी फ्रेंड के साथ नॉर्मली बातें करने लगता है जब तक तंग ऑनलाइन पर नहीं आ जाता है। और वो आने के बाद वो तंग के साथ भी बातें करने लगता है और अपने फ्रेंड के साथ भी। और इस बारे में जंगकुक तंग को बोल भी दिया था कि वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता कि उन लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। और इस वजह से वो हर एक इन्फॉर्मेशन तंग को दे देता है और जो भी कुछ करता है। तब मिस्टर मिन कहता है जंगकुक तुम बार बार क्यों ऑफलाइन और ऑनलाइन हो रहे हो, तुम अपनी बीएफ के साथ बातें कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम्हारी बीएफ ने मुझे बोला था और वो आप ऑनलाइन है। तब जंगकुक कहता है एक्चुअली हाँ मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि वो आज फुल डे ऑनलाइन नहीं आया था और वो वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी है और इस वजह से मैं अब थोड़ा सा बातें कर रही हूँ, शायद जल्द ही वो फिर से ऑफलाइन चला जाएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और उसके बाद जंगकुक जल्दी से तंग के साथ फिर से बातें करने लगता है। तब जंगकुक तंग को एक रील सेंड करता है जहाँ पर एक कपल एक दूसरे को हक करके रखा था और वो लोग कडल हक करके रखा था। तब इसे देखकर तंग तुरंत जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें बैडली हक करना चाहती हूँ इसी तरह से। तब जंगकुक जो थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो लोग अब एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है, वो लोग बहुत ज़्यादा दूर था। फिर जंगकुक कहते हैं मैं अभी आपको हक करना चाहती हूँ पर फिकर मत कीजिए, शायद जल्द ही हम दोनों एक दूसरे को हक कर पाए और इस तरह से रह पाए। तब तंग कहते हैं हाँ ज़रूर बेबी क्यों नहीं। और उसके बाद वो लोग फिर से थोड़ा सा नॉर्मली बातें करता है। और उसके बाद तब तंग जंगकुक को कहते हो कि बेबी मुझे अब जाना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं
ओके डाल देंगे, अपना ख्याल रखना और उसके साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अपने डिनर ज़रूर कर लेना। तब जोंग कहते हैं हाँ मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ, मैं कर लूँगी। और तुम क्या किया हो? तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं कर लिया हूँ। तब जोंग हाँ कह देता है और फिर से जंगकुक को बाय कहता है। तब जंगकुक कहते हैं ओके बाय आई लव यू, पर जोंग की इस बार कोई भी रिप्लाई नहीं था। तब जंगकुक समझ पाता है कि जोंग सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को जाकर कहता है वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तब जंगकुक कहता है मेरे बीएफ मेरे लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि वो मेरी 3 ईयर की लॉन्ग क्रश है और उसके बाद जाकर वो मुझे एक्सेप्ट किया है तो फिर वो ज़रूर होगा और तुम भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। तब मिस्टर मीन हाँ कह देता है और उसके बाद वो और इस बारे में बातें नहीं करता है और जंगकुक भी तंग के बारे में उसके सामने बातें नहीं करता है क्योंकि जंगकुक को पता है कि शायद मिस्टर मीन उसके पर क्रश रखता है। पर जंगकुक ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था और मिस्टर मीन जब भी जंगकुक के साथ फ्लर्ट करता है जंगकुक या तो उसे इग्नोर कर देता है या तो उसे ऐसे ही नॉर्मली ले लेता है और जंगकुक एक फ्रेंड की तरह ही जितनी ज़्यादा हो सके मिस्टर मीन के साथ बातें करता है और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली जा रहा था। 2 ईयर बाद जाकर जंगकुक फाइनली तंग के साथ मिलने वाला था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो तंग के आने की वेट कर रहा था। तब तंग जो जंगकुक को जो रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था वो जब वहाँ पर पहुँचता है तब जंगकुक तंग को देखने के बाद बिना कोई टाइम उसके जल्दी से तंग के पास आता है और दर्द तो है तंग के पास चला जाता है और तंग को टाइटली हग कर लेता है। तब तंग भी जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक के सिर्फ तंग के शोल्डर पर ही आ रहा था क्योंकि जंगकुक की हाइट थोड़ा सा स्मॉल था। तब तंग जंगकुक की बैक को रब करने लगता है और कहता है फाइनली बेबी मैं तुमसे मिल पाया हूँ। तब जंगकुक कहता है हाँ फाइनली। तब तंग जो जंगकुक की पोर्ट पर किस करता है और कहता है डेट को इन्जॉय करें। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद और जंगकुक और तंग अपनी फर्स्ट डेट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है और वो दोनों ऐसे ही और भी ज़्यादा कुछ टाइम तक डेट करता है क्योंकि जंगकुक तो शादी के लिए रेडी था बट तंग नहीं था। जंगकुक को ये पता नहीं है कि वो असल में तंग अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं है पर जंगकुक कभी भी इस बारे में नहीं पूछा था। जंगकुक को कभी कभार यह फील होने लगता है क्योंकि जंगकुक को जितना दूर पता है जंगकुक के साथ रिलेशनशिप में आने के पहले तंग की एक एक्स भी था जंगकुक के साथ रिलेशनशिप में आने की ऑलमोस्ट 10 ईयर पहले और जंगकुक कभी कभार सोचने लगता है तंग डर रहा है बट उसे पता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने मन में क्या था मैं क्यों इस बारे में सोच रही हूँ वो पास्ट था और मुझे पास्ट के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करना है। अगर तंग की अब एक्स था तो फिर वो चला गया है उसने ये सब कुछ लॉस्ट किया है अपनी गलती की वजह से क्योंकि वो तंग की ट्रू लव को नहीं देख पाया था इसी वजह से उसने ऐसा किया था। अब अगर तंग मेरे साथ है तो फिर मैं हैप्पी हूँ ये ज़रूरत नहीं और इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसे मुझसे शादी करना ही पड़ेगा मैं वेट कर सकती हूँ और अगर कभी भी मुझसे शादी भी नहीं करते तब भी मैं ऐसे ही रह सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही मेरी तेई से प्यार किया हो तो फिर मैं कैसे सब कुछ सोच सकती हूँ और मेरी तेई भी मुझसे प्यार करता है तो फिर मैं क्यों ये सारे फालतू की बातों को सोचूंगी मुझे सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और जंगकुक जो अपने वर्क कर रहा था तभी जंगकुक की एक फ्रेंड जंगकुक के पास आ जाता है। तब वो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है ये जंगकुक। तब जंगकुक कहता है हाँ क्या हुआ है? तब वो जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम कभी भी हम लोग को तुम्हारे बीएफ नहीं दिखाए हो तुम हमेशा ही कहते हो तुम्हारी बीएफ है बट तुम क्यों शो नहीं करते हो? तब जंगकुक कहता है शो करने के लिए इतनी ही ज़्यादा काफ़ी है कि मेरी बीएफ है और इससे ज़्यादा मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है और मैं सालों पहले इसीलिए पब्लिश किया था कि मेरी बीएफ है क्योंकि मैं किसी के प्रपोजल को नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे प्रपोज करे अगर वो लोग करता है तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब जैसा फील होता है कि पता नहीं मैं कैसे उन लोग को रिजेक्ट कर पाऊँगी मैं मेरी बो के साथ पूरी तरह से हैप्पी हूँ। तब ये सुनकर वो अपना इसको रोल कर दो ही कहते हैं फर्स्ट जंगकुक मैं तुम्हें एक बात बोलो तुम उससे स्मॉल एज से हो राइट अब मैं तुम्हें सच में सीरियसली कहना चाहती हूँ अगर वो तुम्हारे साथ सच में रहना चाहते हैं तो फिर अब तक वो तुम्हारे साथ इंगेजमेंट कर लेता या तो वो तुम्हारे साथ शादी भी कर लेता पर अब तक ऐसे क्यों नहीं हुआ है? तब जंगकुक कहते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ। तब वो हंसते हुए कहते हैं अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो और अगर तुम उसे चीट किए तो। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं होल लाइफ में भी उसे चीट नहीं करूँगी मेरे पास चीट करने की कोई रीज़न नहीं है
क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, चीट तभी लोग कर पाता है या तो वो लोग तभी लोगों को छोड़ता है जब कोई वो लोग कमियाँ देख पाता है। मैं मेरी वो के अंदर कोई भी कमियाँ नहीं देखा हूँ। और अगर इस बारे में तुम पूछना चाहते हो तो फिर तुम ही समझ सकते हो। मेरा बिहेव जैसा है मैं उसे ऐसे ही एक्सेप्ट किया हूँ। अब अगर उसके फ्यूचर में जाकर मुझे बहुत सारे गलतियाँ नजर आएगा, मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि वो सारे गलतियाँ अगर उसकी है तो फिर वो मेरा भी है, क्योंकि इंसान मेरा है तो फिर गलतियाँ भी तो मेरा ही होना चाहिए ना। तो फिर मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मैं उसे ट्रूली लव करती हूँ। और ट्रू लव कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है अगर वो अचानक से उसकी गलतियाँ देख पाता है, क्योंकि इंसान भी उसका ही है, गलतियाँ भी उसका ही है। उसे ऐसा नहीं है कि उसे अब उसके साथ ब्रेकअप करना चाहिए। अगर सच में उसके साथ रहना चाहते तो फिर गलतियों को सुधारने की ट्राई करो, उसे एक्सेप्ट करो। सुनने की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तब ये सुन करो अपना इसको रोल कर तो है क्या था। आई थिंक तुम्हारी बॉयफ्रेंड कोई क्रिमिनल ही होगा, क्योंकि वो खुद को हाइड करके रखता है। तब जिनको क्या था, उसने खुद को हाइड नहीं किया है, मैं हाइड किया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत है, जो मेरा है वो मुझे पता ही है कि वो मेरा ही है। और बाकी रही तुम कह रहे थे ना कि वो मुझे चीट करेगा, तो फिर करने दो, मैं नहीं रोका हूँ, क्योंकि मैं उसे हर टाइम फ्रीडम दिया हूँ। क्योंकि मुझे पता है जिसे चीट करना है वो खुद से कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी प्यार में था ही नहीं, तो फिर मुझे ज़रूर चीट कर सकता है, मैं नहीं रोकूंगी। बट वो जब तक मेरे साथ चीट नहीं करेगा मैं तब तक उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरा है और मैं उसके साथ हमेशा ही रहूँगी। और अगर उसने चीट भी किया तब भी मैं पता लगाऊँगी कि उसने सच में क्या है या तो ये सब कुछ गलत फैमिली है। मैं इतनी ज़्यादा इसलिए उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने खुद अपनी माउथ से नहीं कहा तब तक तो मैं नहीं सुनने वाला। तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो और अपने काम से काम लगाओ, क्योंकि मैं मेरी बीएफ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब वहाँ पर एक टॉल बॉय आ जाता है जो अपने फेस में मास्क पहन कर रखा था। वो जंगुक की तरफ देखता है, तब जंगुक स्माइल करता है, तुरंत तंग की तरफ जाते हुए तंग को हक कर लेता है। तब तंग जंगुक के सिर पर झुकते हुए किस करता है और जंगुक की बैक को रफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, तो मैं आंगड़े लग रहे थे। तब वो गर्ल जब जंगुक की तरफ देखता है तब वो शॉक हो जाता है, वो सिर्फ तंग की आइस की तरफ घूरने लगता है। तब फिर से तंग अपने डीप वॉइस में कहते हैं, बोलो क्या हुआ है। तब जंगुक कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलो चलते हैं। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर वो जाने के पहले उस गर्ल की तरफ फिर से देखने लगता है। तब तंग की आइस एकदम सीरियस लग रहा था, जबकि तंग हमेशा ही एक हैप्पी पर्सन था, बट तंग को देखकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था। और वो गर्ल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तंग इसके साथ जंगुक को लेकर जल्दी से कार में आ जाता है। तब जंगुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, माई बो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब तुरंत तंग जो स्माइल करते हुए जंगुक को कहते हैं, हम लोग एक डेट पर जा रहे हैं। तब जंगुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते इस टाइम पर। तब तंग कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है। तब जंगुक नाम अपने सिर हिला देता है और स्माइल करता है। फिर तंग जंगुक को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर जाता है। और उसके बाद वो चुपचाप जाकर कार की डोर को ओपन करते हैं, जंगुक की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तब जंगुक कॉन्फ्यूज था। तब जंगुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए बाहर आता है। तब तुरंत जो वहाँ पर दो वेटर आ जाता है और आने के बाद तंग और जंगुक को देखकर स्माइल करता है। तब और एक वेटर कहते, सर मुझे फॉलो कीजिए। तब तंग और जंगुक उसे फॉलो करता है। और उसके बाद जंगुक देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल तरीके से डिनर की प्रिपरेशन किया गया था। तब जंगुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम सच में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेट फिक्स किया हो। तब तंग कहता, ऑफ कोर्स मैं क्या हो, अब क्या मेरी बेबी बॉय मेरे साथ आ सकता है। तब जंगुक अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और चुपचाप जाकर तंग के साथ सीट पर बैठ जाता है। और तुरंत वेटर उन दोनों को फूड सर्व करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग और जंगुक जब डिनर कर रहा था, तब तंग जो रेड वाइन जंगुक को ऑफर किया था, बट जंगुक ड्रिंक नहीं करता है। तब तंग जंगुक को कहता है, तो फिर बेबी बॉय अब क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तब तुरंत जंगुक कहते हैं, क्या पूछना चाहते हो माई बो। तब तुरंत तंग कहते हैं, हाँ शायद तुम हैप्पी हो जाओ। तब जंगुक कहते हैं, मुझसे सीधा सीधा पूछो, अब मुझे इस तरह से तुम कॉन्फ्यूज मत क्या करो। तब तंग अपनी सीट से उठता है और जंगुक के सामने अपने घुटनों पर बैठ कर तुरंत अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकलता है और उसमें से रिंग निकालते हुए जंगुक की तरफ देखकर कहते हैं, विल यू मैरी मी जून जंगुक। तब जंगुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है
और वो शक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब जंगो को तंग फर्स्ट दिखाया था, वो मैरी मी जोन जंगो प्लीज मुझे आंसर करो, मैं तुम्हारे आंसर की वेट कर रही हूँ। तब जंगो तुरंत तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूँगी डम, मैं तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा वेट किया था और तुम मुझे इस तरह से सरप्राइज कर दिया, तो फिर मैं कैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तब तंग जंगो के हाथ को पकड़ते हैं, सॉफ्टली उसकी हैंड पर किस करता है और उसके फिंगर में रिंग पहना देता है और जंगो जो तंग उठने में हेल्प करता है। तब जंगो के वेस्ट कैरोन तंग अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और सोले सोले नीचे की तरफ झुकने लगता है। तब जंगो तंग की तरफ अपने सिर उठाकर देख रहा था, जंगो को पता था उसकी हाइट थोड़ा सा छोटा है और इस वजह से शायद तंग को थोड़ा सा तकलीफ होगा उसे किस करने में, पर फिर भी जंगो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तब तंग झुक कर जंगो की तरफ देखते हुए जंगो को अपने डीप वॉइस में कहते, क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट किस को चुरा सकती हूँ बेबी बॉय, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस नहीं है। तब तुरंत जंगो कहता है, ये किस सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तब तंग स्माइल करता है और तंग थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और जंगो को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगता है। सिर्फ तंग जंगो की लिप्स को अपनी टंग से लिख कर रहा था और सक कर रहा था। तब जंगो जो तंग की शर्ट की कॉलर को पकड़ कर रखा था और वो अपने आइस को बंद करके सोली सोली लिप्स को मूव करने लगता है और जंगो को तंग एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एक लवली किस करता है और उसके बाद तंग सोली सोली किस को ब्रेक कर देता है और जंगो की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तुम जियोन जंगो नहीं हो और बेबी बॉय, अच्छा तुम किम जंगो हो। तब जंगो रेड हो जाता है और वो तंग की जस्ट में अपने फेस को छुपाते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है। तब तंग जंगो की बालों को रफ करते हुए कहते हैं, अब जबकि पता है तो फिर अब इस पर्सन की तुम्हें होल लाइफ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तुम मुझे नहीं सोच सकते हो, चाहकर भी नहीं, याद रखना। तब जंगो तंग की जस्ट पर पंस करते हुए कहते हैं, मैं क्यों तुम्हें सोरूंगी उडम, मैं तुम्हें कभी भी नहीं सोच सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए हमेशा हो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही और इसकी और एक पार्ट होगा।